आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हेक्सोजिस। हेक्सोजिस दे हेक्सोजिस दे हैव, यानी कि हेक्सोजिस वो शुगर जो 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होती हैं। दे हैव 6 कार्बन, दे हैव 6 कार्बन, वो 6 कार्बन रखती हैं। ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज इज अ कॉमन हेक्सोज शुगर है, एच शुगर। ग्लूकोज एक कॉमन हेक्सोज शुगर है, ये 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होती है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है बायोलॉजिकल वेरी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ग्लूकोज जो है इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड है, बायोलॉजिकल कंपाउंड। ग्लूकोज इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड है, ये ग्लूकोज जो है ये हेक्सोज शुगर है, ये इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड इस तरह है, ये ग्लूकोज जो पौधे हैं वो ऑल टू ऑल ये ग्लूकोज पर इन्हिसार करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज तैयार करते हैं। ग्लूकोज उनकी खुराक का जरिया होता है, ग्लूकोज उनके लिए फूड है पौधों के लिए, और यही ग्लूकोज इंसानों के लिए इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, यानी कि इंस्टेंट फौरी एनर्जी का सोर्स है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए, ये फौरी एनर्जी का सोर्स है ग्लूकोज। और ये इंसान ग्लूकोज से हम कार्बोहाइड्रेट से हम इंस्टेंट तेज़ी से जल्दी से एनर्जी हासिल कर सकते हैं, इनको हम जब चाहें ब्रेक डाउन कर सकते हैं और ATP ले सकते हैं। ये जो ग्लूकोज है ये एल्डो शुगर है, एल्डो शुगर है, यानी कि इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप नहीं है। और जो कॉमन कीटो शुगर है हेक्सोज जो कॉमन कीटो शुगर है वो है फ्रैक्टोज। ये कॉमन है हेक्सोज शुगर है और ये कीटो शुगर है। हम इनके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जो हेक्सोजी शुगर है, इनमें पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। कार्बन, फिर कार्बन, 6 कार्बन पूरी होगी। ये एल्डिहाइड शुगर है, एल्डो शुगर है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का, और इधर लग गया H, और ये कार्बन उसी तरह आया OH, इधर H। और ये ग्लूकोज का जो तीसरा कार्बन होता है ना, इस पे ये जो H है ये इधर आ जाता है और OH इधर आ जाता है। ये एक ख़ास बात है इसके स्ट्रक्चर में, इसका जो स्ट्रक्चर है ना उसमें ये ख़ास बात है, ये याद रखनी है हर हाल में। यहाँ OH, इधर OH, तीसरे कार्बन पे सिर्फ ये होगा, इधर भी OH, इधर H, इधर भी OH, इधर H और इधर H। यही तो वो बात कह रहा है वो कार्बोहाइड्रेट की त्रीव में। पोली मीन बहुत सारे हाइड्रोक्सी, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ये एल्डिहाइड है, ये इसी की डेफिनेशन भी इसी से हम अख़्ज़ कर सकते हैं। ये है तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला था। अब हम पढ़ते हैं ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो ये होता है सी, ये जो ग्लैक्टोज है ये भी एल्डो शुगर है, सी डबल बॉन्ड ओ,
इधर एच, ये भी कार्बन कार्बन, पहले 6 कार्बन लगा लेते, कार्बन फिर कार्बन, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन पूरी होगी हमारी। दूसरा कार्बन इस पे ओ एच, यहाँ एच, इसके तीसरे पे एच इधर लगेगा इसके भी, और ओ एच इधर, इसके चौथे पे भी यही होगा, इधर एच लगेगा इधर ही एच, और इधर ओ एच हो जाएगा, फिर ओ एच वैसे ही, इधर भी एच, तीसरे चौथे पे उसके इसके वैसे ही है, इसके ये गलेक्टोज का है ओ एच, इधर एच और नीचे भी एच, ये गलेक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है ग्लैक। अब हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ते हैं। फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज कीटो शुगर है, तो उसके पहले 6 कार्बन हम लगा लेते हैं, ये भी कार्बन 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 कार्बन, ये कीटो शुगर है, इसके ओ एच, इधर एच, इधर एच, ये सी एच टू और ओ एच, सही, ये इसके डबल बॉन्ड हो, और तीसरे पे इसके भी वैसे ही जैसे हमने ग्लूकोज पे लगाया था, एच इधर इधर ओ एच, फिर वैसे ही ओ एच, इधर एच, इधर भी ओ एच, इधर एच, और इधर फिर ओ एच, और ये एच, ये फिर एच, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है फ्रक्टोज का। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तीनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब मैं आपको बताता हूँ इनके रिंग स्ट्रक्चर, इसके रिंग स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो ऐसे होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में ना ग्लूकोज, ग्लूकोज सॉल्यूशन फॉर्म में सिक्स कॉर्नर रिंग देता है, सिक्स कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर। ग्लूकोज जब हम इसको पानी में हल करते हैं या किसी भी सॉल्यूशन में हल करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में हल करते हैं, तो वो सॉल्यूशन फॉर्म में रिंग स्ट्रक्चर देता है, और ये रिंग स्ट्रक्चर सिक्स कॉर्नर होता है, और सिक्स कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर, कॉर्नर रिंग इज कॉल्ड पायरेन। ये इसकी डेफिनेशन है, जिस रिंग के सिक्स कॉर्नर हो उसको पायरेन कहते हैं। और ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं, ऑक्सीजन, इस तरह यहाँ पे कार्बन 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 और कार्बन, यहाँ पे एच ओ एच, ओ एच, और यहाँ पे ये जो एच ओ एच है ये ऊपर चल जाएगा, और ये एच नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और इस कार्बन पे एच ओ एच वैसे ही रहेगा, और इसका कार्बन का एच और सी एच टू ओ एच, सही, इसके 6 कार्बन पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉर्नर रिंग है, इसको कहेंगे पायरेन पायरेन, और ये पायरेन ग्लूकोज का है, तो इसका नाम होगा ग्लाइको पायरा नोज, ग्लाइको पायरा नोज। और इसी तरह हम फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर, ये कार्बन, इसके ऊपर एच, इधर सी एच टू ओ एच, ओ एच, इधर एच, और इधर एच
OH, और इधर इस तरह उसी तरह H और ये CH2OH। इसी के भी 6 कार्बन मैं आपको पूरे करवाऊंगा, 1 यहाँ पे 2 कार्बन, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये 6 कार्बन रिंग है, इसको भी हम, ये भी 6 कार्नर रिंग है, ये 5 कार्नर रिंग है वैसे तो, ये आप देख ही सकते हैं। इसको हम कहेंगे फ्यूरीन। ये फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर है। अब हम ग्लूकोज की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ग्लूकोज की जो इम्पोर्टेंस है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज की इम्पोर्टेंस बहुत मरतबा आ चुकी है एग्ज़ाम में, ये लॉन्ग में भी कई बार आ चुकी है, शॉर्ट में भी। इसका पहला ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये है इम्पोर्टेंट ग्लूकोज इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड है। ये इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड है। इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड इस तरह है कि पौधों की खुराक का जरिया तो ग्लूकोज है, वो फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज के तैयार करते हैं, और इससे वो अपने दूसरे केमिकल भी बनाते हैं। इससे ये उनके लिए खुराक का जरिया है, जिस तरह हम फूड खाते हैं उनके लिए ग्लूकोज फूड है, और इसी तरह जानवरों में भी ये इंस्टेंट फूड का एनर्जी का जरिया, इंस्टेंट मतलब फौरी एनर्जी का जरिया है। दूसरा, ये ग्लूकोज फ्री स्टेट में पाया जाता है फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, फिग्स, डेट्स, खजूरों में, etc। ये ग्रेप्स में, फिग्स में, डेट्स में फ्री हालत में, यानी कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। हमको अगर ग्लूकोज की कमी हो तो हम ग्रेप्स खा सकते हैं, फिग्स खा सकते हैं, डेट्स खजूरें खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं। ये इनमें फ्री स्टेट में पाया जाता है ग्लूकोज। इसका दूसरा पॉइंट, अब हम इसका तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ह्यूमन ब्लड नॉर्मली कंटेन अबाउट 0.08% ऑफ ग्लूकोज। इंसानी ब्लड में ये तकरीबन 0.08% पाया जाता है आम मकदार में, आम तौर पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ है, 0.8% ग्लूकोज की मकदार पाई जाती है आम तौर पर ब्लड में इसकी। ग्लूकोज जो है कोज डाई सैकराइड्स और एंड पॉलीसैकराइड में कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, कंबाइंड फॉर्म में। ग्लूकोज डाइसैकराइड में और पॉलीसैकराइड में कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि स्टोर फॉर्म में पाया जाता है। इनमें ग्लूकोज की मकदार स्टोर फॉर्म में होती हैं, बहुत ज़्यादा मकदार होती है, और ये कंबाइंड फॉर्म जो होती है ग्लूकोज की स्टोर मकदार, ये डाइसैकराइड जो इनकी मसाले हैं स्टार्च, पॉलीसैकराइड की स्टार्च, सेलुलोज ते ग्लाइकोजिन। ये हैं पॉलीसैकराइड, इनमें जो ग्लूकोज है वो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, स्टोर फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन मिलते हैं, और स्टार्च बना देते हैं, सेलुलोज बना देते हैं, ग्लाइकोजिन बना देते हैं। स्टार्च पोटैटोज में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सेलुलोज पोटैटोज में पाया जाता है, क्रियल्स में पाया जाता है। पौधों में ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म को स्टार्च कहते हैं। सेलुलोज जो कॉटन है, कॉटन प्योर कॉटन जो है रुई, वो प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है,
और ग्लाइकोजन ग्लूकोज की स्टोर एनिमल्स में स्टोर मकदार को, जो एनिमल्स में ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है ना, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में किया जाता है। ये लीवर में किया जाता है ग्लूकोज को स्टोर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और मसल में किया जाता है, ये दो चीज़ों में किया जाता है। और इन तमाम चीज़ों को हम वाटर के ज़रिए हाइड्रोलाइज्ड करके ग्लूकोज को ले लेते हैं। इनकी हाइड्रोलिसिस से, हाइड्रोलिसिस का कल मैंने आपको मतलब बताया था, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय यूजिंग वाटर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से हम सेलुलोज को हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज को ले सकते हैं, स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज ले सकते हैं, ग्लाइकोजन को हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज ले सकते हैं, और इस तरह हम ग्लूकोज हासिल कर सकते हैं। ये उनकी ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म है ये तीनों। इनको हम हाइड्रोलाइज यानी कि पानी के ज़रिए तोड़कर इन बड़े मॉलिक्यूल को हम ग्लूकोज हासिल कर सकते हैं, ग्लूकोज की बड़ी मकदार ले सकते हैं। ये ग्लूकोज है फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है। ये फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है ये ग्लूकोज। ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है। हम इसकी इक्वेशन ऐसे पढ़ते हैं, 6CO2 प्लस 12H2O लाइट प्लस क्लोरोफिल। इसकी मौजूदगी में एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये इसकी इक्वेशन है। ये फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज। ये जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। इसको कैरी आउट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, खर्च होती है इस प्रोसेस में, कंज्यूम्ड। और ये एनर्जी कंज्यूम्ड जो होती है, इसको सन लाइट के ज़रिए पूरा किया जाता है, सन लाइट के ज़रिए हासिल की जाती है। ये इक्वेशन कहलाती है फोटोसिंथेसिस। हमने अगर 10 ग्राम ग्लूकोज को तैयार करना हो, 10 ग्राम ग्लूकोज को फोटोसिंथेसिस के ज़रिए तैयार करना हो, तो 717.6 किलो कैलोरीज एनर्जी की ज़रूरत होगी, और ये एनर्जी सनलाइट के ज़रिए पूरी की जाएगी, सनलाइट। अगर 10 ग्राम ग्लूकोज के तैयार करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 10 ग्राम ग्लूकोज को तैयार करने के लिए 717.6 किलो कैलोरीज एनर्जी की ज़रूरत होगी, और इस ये एनर्जी को ग्लूकोज में स्टोर कर लिया जाता है, ग्लूकोज में स्टोर कर लिया जाता है। और जब हम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है प्लस वाटर, और उसी तरह इसके साथ एनर्जी भी खारिज होती है, एनर्जी भी खारिज होती है, और ये एनर्जी हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं। ये एनर्जी मुख्तलिफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए डिफरेंट रिएक्शन को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है, और ग्लूकोज को इस तरह, ये ग्लूकोज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। हम कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।